जय शनिदेव। आला रे आला पंडित सर, आला रे आला पंडित सर आला। सैनिक स्कूल का जो मुहिम हमने चलाया है उसमें हमारा सहयोग कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें गुरु दक्षिणा दीजिए, जो हम सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए 8 जनवरी का जो एग्जाम है उसके लिए लगातार वीडियो दे रहे हैं, उसके लिए हमें सभी बच्चे सपोर्ट करें। हर पाले जी बच्चा चैनल के साथ जुड़ जाए, जिसका 6th एडमिशन का सैनिक स्कूल का 8 जनवरी को एग्जाम होना है, और कमेंट्स बॉक्स में एक बार सभी बच्चे बोले जय शनिदेव, जय शनिदेव। बच्चों आज का टॉपिक हम ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन के विषय में जानेंगे, जो सैनिक स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और हर संभावित क्वेश्चन जानेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो सभी बच्चे एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए। आओ चलते हैं क्लास की तरफ। तो भैया आज का टॉपिक है मस्तिष्क यानी ब्रेन, मस्तिष्क यानी ब्रेन। आपको बताया है मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है वो CNS का पार्ट होता है, यानी केंद्रीय तंत्र का भाग होता है ब्रेन। ठीक है भैया, ब्रेन का हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। देखो ब्रेन जो है शरीर के बाहर का कितना परसेंट है, 2%। शरीर के बाहर का जो मस्तिष्क है भैया कितना परसेंट है, 2% होता है शरीर के बाहर का मस्तिष्क, 2%। ठीक है भैया, इसके अलावा हम पढ़ते हैं। देखो बच्चों जो ब्रेन का औसत भार होता है, ब्रेन का औसत भार, मस्तिष्क का औसत भार है वो कितना होता है भैया, 1350 ग्राम, 1350 से 1380 ग्राम जो औसत भार है। और भैया अगर हम औसत की बात करें महिला और पुरुषों की तो अलग अलग होता है। महिला पुरुष इनकी औसत बात करें तो भैया महिला का औसत भार होता है 1280 ग्राम, ठीक है, और भैया पुरुषों का होता है 1420 ग्राम। ये मस्तिष्क का औसत भार है। और बच्चों में कितना होता है, एक औसत जो लगाया हुआ है ठीक है वो है 300 से 400 ग्राम। ठीक है, ये महिला का औसत है, पुरुष का औसत है, और ये बच्चों का औसत है। भैया ब्रेन जो है वो 1650 मिलीग्राम होता है, कितना, 1650 मिलीग्राम होता है भैया ब्रेन। अगर मैं बात करूं पाउंड में या पौंड में तो ब्रेन कितना होता है भैया, पाउंड या पौंड में तो उसका भार होता है 3 पौंड, कितना, 3 पौंड होता है भैया। ब्रेन में भैया होता क्या है, तो भैया मस्तिष्क में सबसे ज्यादा 60-70% क्या होता है, 60-70% मस्तिष्क में वसा होता है, फैट होता है। ठीक है, वसा होता है, फैट होता है भैया, ये सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। ठीक है, फैट जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है ब्रेन में, 60-70%। ठीक है, जल की मात्रा भी ब्रेन में ठीक ठाक होती है। इसके अलावा भैया हम ब्रेन में खनिज कौन सा पाया जाता है, तो भैया मस्तिष्क में जो खनिज है वो होता है सोडियम सबसे ज्यादा। देखो सोडियम की जरूरत प्लांट्स को नहीं होती, ठीक है, आपसे पूछे कौन सा पोषक पदार्थ प्लांट्स के लिए जरूरी नहीं होता, सोडियम होता है। ठीक है, और मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी होता है। आपको पता होगा नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोलर होता है वो ब्रेन होता है, यानी तंत्रिका कंट्रोलर ब्रेन होता है, और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये हमने ब्रेन की बेसिक बातें बताई। और आपको पता होगा कौन सा ऐसा शरीर का अंग है जिसको चाकू से काटने पर दर्द नहीं होता, तो आंसर होता है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को चाकू से काटने पर दर्द नहीं होता है, क्लियर भैया। इसके अलावा आपको पता होगा जो अमीबा है भैया ऐसा जंतु है जिसमें ब्रेन नहीं होता, अमीबा ऐसा जंतु है जिसमें ब्रेन नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा भैया ब्रेन में इतनी एनर्जी होती है कि 25 वाट का बल्ब 24 घंटे जल जाए, ठीक है भैया, और 1100 CC इंजन के बराबर हमारा ब्रेन काम करता है, और इसमें लगभग 70-75 हजार फैक्ट्स डेली आ जाते हैं, जिसमें 90% नेगेटिव होते हैं और 10% पॉजिटिव होते हैं, ये ऐसा मानना है। ठीक है, तो भैया ब्रेन जो है शरीर के बाहर का 2% होता है, और इसका औसत भार जो है वो 1350 ग्राम होता है, और महिला में औसत भार 1280, पुरुष में 1420। ठीक है, इसके अलावा बच्चों में 300-400 ग्राम का होता है, और मिलीग्राम में इसका भार 1650, और पौंड में इसका भार 3 पौंड होता है, क्योंकि 1 पौंड होता है 453.56 ऐसा कुछ समथिंग, तो भैया इसको 3 से करेंगे तो लगभग इतने इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, मस्तिष्क में भैया सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, 60-70% वसा की मात्रा होती है, और मस्तिष्क में खनिज कौन सा सर्वाधिक होता है, सोडियम होता है। शरीर का ऐसा जैसे चाकू से काटने पर दर्द नहीं होता, मस्तिष्क,
और अमीबा जंतु ऐसा है जिसमें ब्रेन नहीं होता, जिसमें मस्तिष्क नहीं होता, यानी जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। ठीक है भैया, तो ये नोट कर लीजिए सभी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे जानते हैं, ब्रेन के तीन भाग होते हैं, सभी भाग पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भरा है सैनिक स्कूल से क्लास एडमिशन का, वो सभी बच्चे शेयर कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को। जो हम गरीबों के बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मुहिम चला रहे हैं, उसमें आप हमें सपोर्ट कीजिए। क्योंकि बेटा शिक्षा वो है, आपको पता होगा, आप सपोर्ट करेंगे क्योंकि शिक्षा वो कड़ी है। एकलव्य को भी गुरु दक्षिणा देने की जरूरत पड़ी थी। देखो हमें कोई गुरु दक्षिणा की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता है शिक्षा जो है फलती नहीं है, ऐसा ग्रंथों में प्राचीन काल से मानना रहा है। तो सभी बच्चे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, फ्री का ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको अपने अनुसार जो अपनी बातें थी वो रख दी। आगे चलते हैं भाई, मस्तिष्क के तीन भाग। ठीक है, मस्तिष्क के भैया तीन भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क होता है भाई। ठीक है, देखो ज्यादा डिटेल्स जानकारी नहीं, जो हमें सिक्स क्लास एडमिशन पेपर के लिए 8 जनवरी के जरूरी है वही बातें देख रहे हैं। मध्य मस्तिष्क होता है, ठीक है, और तीसरा होता है भैया पश्चिम मस्तिष्क। क्या होता है पश्चिम मस्तिष्क? होता है ये ब्रेन के तीन भाग है। ठीक है, यानी भैया आपको पता होगा ये है फोर ब्रेन, ठीक है, और ये है मिड ब्रेन, और ये तीसरा जो है वो हिंड ब्रेन होता है। ठीक है भाई, तो ये तीन भाग होते हैं ब्रेन के। आपको पता होगा एक होती है भैया ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, जो ऑल्फैक्टरी लोब होती है वो घ्राणपाली जिसको हम बोलते हैं, उस स्मेलिंग देखती है सुगंध और दुर्गंध। उसका कार्य पूछा जा सकता है सुगंध और दुर्गंध। आपको मालूम होगा, देखो ब्रेन के तीन भाग है, उनमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन। और भैया अगर पूछे तो बुद्धि और चतुराई केंद्र भी अग्र मस्तिष्क के अंदर सेरिब्रम है, यानी अग्र मस्तिष्क को भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो भैया दुगंध और सुगंध ये देखता है। इसके अलावा ये पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट अग्र मस्तिष्क में। दूसरा है भैया आपका प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जिसको अंग्रेजी में हम सेरिब्रम कहते हैं, प्रमस्तिष्क बोलो या सेरिब्रम। ठीक है भाई, हम केवल वही जानकारी देखेंगे जो जरूरी है। सेरिब्रम भैया जो होता है वो मस्तिष्क का सीपीयू होता है। तो भैया मस्तिष्क का सीपीयू किसे कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मस्तिष्क का सीपीयू हम बोलते हैं सेरिब्रम को। ठीक है, बुद्धि और चतुराई केंद्र भी हम किसे बोलते हैं? सेरिब्रम को, बुद्धि और चतुराई केंद्र। ठीक है, बुद्धि और चतुराई केंद्र, क्योंकि जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह है वो सेरिब्रम। भावना चेतना स्मृति, भावना चेतना स्मृति, ठीक है, इनका आवास भी हमें कहां से होता है? सेरिब्रम से। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है भैया? सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी 2/3 भाग अकेला क्या होता है? सेरिब्रम होता है। 65-70% अकेला सेरिब्रम होता है। इसके बाद भैया इसमें डायनसेफलोन होता है। ठीक है, डायनसेफलोन होता है भाई, डायनसेफलोन। ठीक है, देखो बड़ा मस्तिष्क भी कहते हैं हम किसे? सेरिब्रम को। डायनसेफलोन में एक हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, आपको मालूम है शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? तो भैया बॉडी का जो ताप नियंत्रण है बच्चों, वो करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा आपको पता है हमारी बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस लगातार रहता है, उसको कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और भैया जो संवेग होते हैं, संवेगों पर नियंत्रण भी कौन करता है? तो संवेगों पर नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, इसके अलावा भूख प्यास प्रेम क्रोध शांति, भूख प्यास प्रेम क्रोध शांति, प्रेम क्रोध शांति निद्रा, क्रोध शांति और निद्रा। ठीक है, इन सबको भी कौन देखता है भैया? इन सबको देखता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो भैया पीयूष ग्रंथि होती है उसका नियंत्रण होता है इस पे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल होता है। पीयूष मतलब पिट्यूटरी अंग्रेजी में। तो भैया पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण होता है किस पर? हाइपोथैलेमस पर। ठीक है, तो भाई आप सभी को अग्र मस्तिष्क में
ये बातें पता होना चाहिए। एक और देख लो, थैलेमस। थैलेमस वो है जो शरीर का, सॉरी मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र है, जो ठंडा गर्म का एहसास कराता है। ठंडा और गर्म का एहसास कराता है भैया थैलेमस, ठंडा गर्म का एहसास कराता है थैलेमस। ठीक है, तो एक बार अग्र मस्तिष्क को देखते हैं, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और जिसको हम बुद्धि और चतुराई केंद्र। बेटा इसमें एक होती है ऑल्फैक्टरी लॉ, जो स्मेलिंग सुगंध और दुर्गंध का काम करती है, जैसे कुत्तों में सूंघने के लिए श्वान भित्ति होती है। ठीक है, एक दूसरा भाग होता है फिर मस्तिष्क, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। तो भैया मस्तिष्क का सीपीयू भी इसको कहते हैं, सेरिब्रम को, और बुद्धि और चतुराई केंद्र भी सेरिब्रम को कहते हैं, और भावना चेतना स्मृति भी एहसास कौन कराता है, सेरिब्रम। और बड़ा मस्तिष्क या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी क्या होता है, सेरिब्रम होता है। डायनसेफलोन के हमने दो बातें देखी, एक हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रण, सॉरी मस्तिष्क का या शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर लगातार 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, हाइपोथैलेमस। बेटा मूवमेंट संवेगों पर भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। भूख प्यास प्रेम क्रोध शांति निंद्रा इन पर भी किसका नियंत्रण होता है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस पर किसका नियंत्रण होता है, पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और थैलेमस भैया ठंडा गर्म का एहसास और प्रसारण केंद्र मस्तिष्क का क्या होता है, थैलेमस होता है। और जब हाइपोथैलेमस नहीं है तो ताप नियंत्रण भी लगा सकते हैं थैलेमस। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक पिनियल ग्लैंड होती है अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, जो इस जगह पे होती है पिनियल ग्लैंड। ठीक है, आपसे पूछेगा पिनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, आंसर होगा ब्रेन, मस्तिष्क में पाई जाती है पिनियल ग्लैंड। उससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, मेलाटोनिन जानते होंगे आप, रंग वगैरह आपने मेलानिन सुना होगा। ठीक है, जैसे शरीर को रंग कौन देता है, मेलानिन पदार्थ देता है ना, और आपके बालों का रंग भी सफेद किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है, और विटामिन B5 भी इसका कारण हो सकती है। तो ये हमने पढ़ा बच्चों अग्र मस्तिष्क के बारे में। देखो मध्य मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, कार्पो कार्डेजेमन, तो शॉर्ट में याद कर लो कार्पो, और एक होता है पेंडिकल, कार्पो और पेंडिकल। ठीक है, आपको यहाँ से दृष्टि पटल एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो भैया दृष्टि पटल किसे कहते हैं, कार्पो कार्डेजेमन, कार्पो कार्डेजेमन को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। ठीक है, कार्पो कार्डेजेमन दृष्टि पटल होता है और मध्य मस्तिष्क में इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं पश्च मस्तिष्क, जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। देखो पश्च मस्तिष्क में एक होता है सेरिबेलम, क्या होता है भैया, सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क, क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, और ये मस्तिष्क में मोटर की तरह होता है, मोटर। ठीक है, मस्तिष्क में मोटर का काम करता है। और आपको मालूम हो तो कोई भी साइंटिफिक अगर डिस्कवरी करनी है, वैज्ञानिक खोज, तो भैया आपको बिल्कुल इसकी मदद की जरूरत होती है। ठीक है, इस मोटर की जरूरत होती है। तो आपको पता होगा इसको छोटा मस्तिष्क भी हम कहते हैं, छोटा मस्तिष्क या मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग, छोटा मस्तिष्क या दूसरा बड़ा भाग कौन सा होता है भैया, तो सेरिबेलम होता है दूसरा बड़ा भाग। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछे संतुलन कौन बनाता है, तो संतुलन जैसे मनुष्य खड़ा हो पाता है, तो ये संतुलन कौन बनाता है, तो भैया मनुष्य खड़ा हो पाता है ये संतुलन सेरिबेलम बनाता है। और जो भी क्रियाएं हमारी इच्छा से होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है, ऐच्छिक क्रियाएं जो इच्छा से होती हैं, उन पर भी किसका नियंत्रण होता है, तो भैया इच्छा से हम साइंटिफिक अप्रोच अपनी इच्छा से ही कर सकते हैं, तो ऐच्छिक क्रियाओं पर भी कंट्रोल नियंत्रण किसका होता है, तो आपका आंसर होता है भैया सेरिबेलम। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है ऐच्छिक क्रियाएं कोई भी हो सकती है, जो अपनी इच्छा से की जाए, उठना बैठना पढ़ना लिखना। ठीक है, हजारों क्रियाएं हो सकती है, उठना बैठना पढ़ना लिखना, तो ये आपको समझना पड़ेगा, इच्छा जहां दिख रही है तो आंसर कहां जाएगा, सेरिबेलम जाएगा या अनु मस्तिष्क जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में और बातें हैं, जैसे आपको पता होगा ड्रिंकिंग वगैरह कर लेते हैं, एल्कोहल वगैरह पी लेते हैं, तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, सेरिबेलम, क्योंकि उससे होता क्या है, संवेदनशीलता, यानी जो है अपना बैलेंस है वो खराब होता है, तो संवेदनशीलता कम होती है, तो भैया उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सेरिबेलम जिम्मेदार है। ठीक है, तो सेरिबेलम को देख लेते हैं, ये भैया मोटर है ये, और वैज्ञानिक खोज अगर साइंटिफिक साइंटिस्ट बनना है तो इसका साथ होना बहुत जरूरी है, संतुलन बनाता है और मस्तिष्क का
छोटा मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, दूसरा बड़ा भाग है और बड़ा सेरिब्रम भी इसको बोलते हैं, और बड़ा मस्तिष्क सेरिब्रम को बोलते हैं। ठीक है, संतुलन मनुष्य खड़ा हो पाता है किसके कारण? सेरिबेलम। और जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हजारों हो सकती हैं उन पर किसका नियंत्रण होता है? उठना बैठना पढ़ना लिखना, एल्कोहल से इसकी इसका बैलेंस खराब होता है, संवेदनशीलता, दारू पीने से, ड्रिंकिंग करने से, देखो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो संवेदनशीलता कम होती है। तो इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, दूसरा भाग इधर देख लेते हैं, फिर उधर देख लेंगे। ठीक है, दूसरा भाग होता है भैया पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, जो पॉन्स वेरोलाई होता है तो भाई उसके बारे में पता होना चाहिए। ये पाइप जैसी संरचना होती है सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में। सेरिब्रम जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। और सेरिबेलम जिसे हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में, यानी बड़े मस्तिष्क और छोटे मस्तिष्क के बीच में एक पाइप जैसी संरचना जिसका किस पर नियंत्रण होता है? श्वसन यानी रेस्पिरेशन पर नियंत्रण होता है। तो यह श्वसन पर नियंत्रण होता है किसका? पॉन्स वेरोलाई का। ठीक है, एक और भाग है इसका जो इधर देखेंगे हम। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए सभी बच्चे स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को हम रफ कर देते हैं, स्क्रीन शॉट ले लिया होगा उम्मीद है। आगे चलते हैं भैया, दो भाग हमने देख लिए पश्च मस्तिष्क के, अब तीसरा भाग देखते हैं जिसका नाम है मेडुला ओब्लॉगेटा। मेडुला ओब्लॉगेटा जो आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बनते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तीसरा भाग देखो, पहला भाग ये रहा सेरिबेलम, दूसरा ये रहा पॉन्स वेरोलाई, और ये पश्च मस्तिष्क का तीसरा भाग इधर लिख रहा हूँ भैया, जिसका नाम क्या है? मेडुला ओब्लॉगेटा। मेडुला ओब्लॉगेटा जो है, जो वो मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है। ठीक है, मेडुला ओब्लॉगेटा। तो ये मेडुला ओब्लॉगेटा में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन पर किसका नियंत्रण होता है? भैया मेडुला ओब्लॉगेटा। अनैच्छिक क्रियाएं जानते हैं जो हमारी इच्छा के बिना होती है, जैसे हमारे पलक छपकते हैं, ये सब होता है अनैच्छिक क्रियाओं में आता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं। इसके अलावा उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक है, उपापचयी क्रियाएं जो आपको पता पड़ेगा, लिखेंगे अभी थोड़ी देर में, देखेंगे कौन कौन सी है। इसके अलावा किरमानुकुंचन गति, किरमानुकुंचन गति। आप जैसे देखते हो खाना खाते हो, ऊपर से थोड़ा संकुचन होता है तब खाना नीचे आता है, तो वो गति किरमानुकुंचन गति होती है। ठीक है, किरमानुकुंचन गति। तो यह अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी हो सकती हैं? आप सभी जानते होंगे जो हम श्वसन क्रिया करते हैं वो कैसी क्रिया है? अनैच्छिक। देखो श्वसन पर नियंत्रण मुख्य रूप से किसका होता है? पॉन्स वेरोलाई का, और हिंदी में इसको मेडुला को मज्जा भी लिख देता है। रक्त परिसंचरण भैया, जो रक्त सर्कुलेट होता है बॉडी में वो भी हमारी इच्छा के बिना होता है। हृदय परिसंचरण भैया, वो भी हमारी इच्छा के बिना होता है। ठीक है, हृदय धड़कता है या परिसंचरण, वो हमारी इच्छा के बिना होता है। इसके अलावा भैया देखो, खांसना छींकना, ये उपापचयी क्रियाएं हैं। ठीक है, ये उपापचयी क्रियाएं, खांसना छींकना, उबासी, डकार, उल्टी आना, उबासी, डकार, उल्टी आना। ठीक है, खांसना छींकना, उबासी, डकार, उल्टी आना। ठीक है, खर्राटे, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? उपापचयी क्रियाएं हैं। ठीक है, इनमें कौन मदद करता है भैया? मेडुला ओब्लॉगेटा मदद करता है। ठीक है, मेडुला ओब्लॉगेटा, या इसको मज्जा भी हम कहते हैं। ठीक है, और यहां से अब आपको ये पता होना चाहिए, पीयूष ग्रंथि भी पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि आपको पता होगा, इसको अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, पिट्यूटरी ग्रंथि। आपको पूछेगा पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, या तो ऑप्शन आएगा हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क, या आएगा मस्तिष्क के आधार में। मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है भैया, मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है। देखो हम रिविजन कराए जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्लासेस चल रही हैं और फास्ट कराते हैं टॉपिक को, जो समय खराब ना हो। देखो ये समय बहुत कीमती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है। इसको मास्टर ग्लैंड भी हम कहते हैं। क्या भैया? मास्टर ग्लैंड भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा सभी ग्रंथियों पर
पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है, केवल एक ग्रंथि है जिस पर इसका नियंत्रण नहीं होता, वो ग्रंथि है भैया परावटु। कौन सी ग्रंथि है? परावटु ग्रंथि है या पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड ग्रंथि है। पैराथायरॉयड ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है इस पर कंट्रोल नहीं होता, इस पर पीयूष का कंट्रोल नहीं होता, पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि जनन अंग ऊपर इसका नियंत्रण होता है और उत्तेजना एड्रेनल ग्रंथि पर भी इसका नियंत्रण होता है। मस्तिष्क के आधार यानी पश्च मस्तिष्क में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, देखो लिख लीजिए इधर, छोटी कौन सी है भैया? छोटी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है। और बड़ी ग्रंथि कौन सी है भैया? बड़ी ग्रंथि जो है, देखो छोटी तो यही है पीयूष पिटोट्री, ठीक है, पीयूष या पिटोट्री। बड़ी कौन सी है भैया? यकृत या लिवर है, यकृत या लिवर है। और भैया अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। अंतःस्रावी जानते हैं ना, अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो भैया वो है थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि है। इसको हम अवटु ग्रंथि भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है बेटा। देखो मेडुला ऑब्लॉगेंटा अनैच्छिक क्रियाएं, उपापचयिक क्रियाओं पर नियंत्रण, क्रमानुकंचन गति, जैसे रक्त परिसंचरण हमारी इच्छा के बिना, हृदय परिसंचरण हमारी इच्छा के बिना, खांसना छींकना उबासी डकार उल्टी खर्राटे, ये हमारी इच्छा के बिना उपापचयिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इसके अलावा भैया आपको पता है पीयूष ग्रंथि भी पश्च मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क के आधार में, मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। और भैया पैराथायरॉयड ऐसी ग्रंथि है जिस पर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता, और छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि यकृत है, अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है, ठीक है। और आपको इससे ज्यादा जानकारी जो है वो हम यूपीएससी का क्लासेस शुरू करने वाले हैं जल्दी, 1 जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाएगा और क्लासेस का समय रात को 8 बजे होगा, तो वहाँ हम फुल जानकारी ले सकते हैं, A to Z जानकारी हर टॉपिक की ले सकते हैं। ये क्लास केवल सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए है।